तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर के बरमुडा मैप का 17 सबसे ऐसे प्लेसेस के बारे में दिखाने वाला हूं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि फ्री फायर के बरमुडा मैप का 17 रियल लाइफ प्लेसेस जो काफी मिलते जुलते नजर आते हैं और वो रियल लाइफ में रियली में एग्जिस्ट करते हैं। और वहीं से इंस्पायर होकर फ्री फायर वो सारे प्लेसेस को फ्री फायर में इंट्रोड्यूस किया। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, जिसमें आज मैं आपको फ्री फायर के बरमुडा मैप का 17 रियल लाइफ प्लेसेस के बारे में दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 17 गाइस, नंबर 17 पे जो चीज आती है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हैंगर में ऐसे मशीनें बहुत ही सारे जगहों पे देखने को मिलती होगी, साथ ही साथ मिल में भी देखने को मिलता है, और ये बरमुडा मैप में कई सारे जगहों पे। क्या आपको पता है कि इसका रियल लाइफ में कहाँ यूज होती है? तो गाइस मैं आपको बता दूं, जब बड़ा बड़ा मेटल यानी कि लोहा वगैरह कहीं फैक्ट्री में अगर ले जाना आना होता है तो इसी के मदद से ले जाया जाता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसका रियल लाइफ में अभी दिखाने वाला हूँ। ये एक टाइप का मशीन है जिससे बड़े बड़े मेटल या फिर लोहा को इंडस्ट्री में ले जाया जाता है, जिससे कुछ भी चीजें मैन्युफैक्चर होती है। तो ये रियल लाइफ में कुछ इस तरह से दिखती है जो बरमुडा मैप में है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय डायमंड टॉपअप वेबसाइट। यहाँ पर आप पहली बार डबल डायमंड का टॉपअप कर सकते हो, जो कि 100% ट्रस्टेड ऐप है। यहाँ पर आप बहुत ही कम प्राइस में डबल डायमंड टॉपअप कर सकते हो। जैसे कि आप 80 रुपए का डायमंड टॉपअप करते हो तो आपको 100 डायमंड मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 100+100 200 डायमंड मिलेंगे। यहाँ पर आपको फ्री फायर का आईडी लॉगिन करना है, गलत मत डालना वरना नहीं मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप पहला डायमंड टॉपअप करोगे तो यहाँ पर आपको 6 घंटे के अंदर आपको डबल डायमंड टॉपअप मिल जाएगा। और कोई भी अगर दिक्कत हुआ तो यहाँ पर कस्टमर केयर भी है और टर्म एंड कंडीशन भी, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो और कंप्लेन भी कर सकते हो, लेकिन 6 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आप टॉपअप पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कोई भी UPI के द्वारा पेमेंट कर सकते हो, आपको डबल डायमंड मिल जाएंगे। और जैसे ही कोई दिक्कत होगा तो कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, नंबर भी है। तो नंबर 16 गाइस, फ्री फायर में आपने ये वाले ब्रिज तो जरूर देखा होगा, शायद ये आपको सेंटोसा के बगल में और सी पार्ट के बगल में आपको देखने को मिलता होगा, जहाँ पे कुछ इस तरह से नजारा आपको देखने को मिलता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कई सालों से ये डिजाइन किया हुआ है, तब जाके ये पुल बनी है। तो सेंटोसा से और जो सी पार्ट का कनेक्ट करता है रास्ता, वो ये पुल करती है, और इसका रियल लाइफ कुछ इस तरह से लगता है देखने में, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये रियल लाइफ में कई सारे जगहों पे इस तरह से एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे इस तरह का ब्रिज बना होता है। नंबर 15 गाइस, नंबर 15 पे जो प्लेसेस आती है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे हर जगह आपको जो भी मैप खाली रहता है ना, जहाँ पे घर वगैरह नहीं रहता है, वहाँ पे इस तरह का आपको टावर नजर आता होगा, जहाँ पे सीमेंट के ऊपर इस तरह का टावर बनाया हुआ जाता है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे ये टावर आप देख लो, ठीक है, ये कई सारे जगहों पे आपको मैप में देखने को मिलता होगा, जो खाली जगहों पे आपको देखने को मिलता है, कोई घर के आसपास आपको देखने को नहीं मिलता होगा। ठीक है, और ये रियल लाइफ में जो 33,000 वाट का है ना, वो यहाँ पे वायर जो कनेक्ट करती है बहुत ही बड़े बड़े शहरों में, वहाँ पे ये भी खाली जगहों पे लगाया जाता है, जो कुछ इस तरह से लगता है देखने में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। तो ये रियल लाइफ से यहीं से इंस्पायर होकर फ्री फायर ने लाया। नंबर 14 गाइस, नंबर 14 पे ये वाले टावर आप देख सकते हो। यहाँ पे ये टावर पे आपने जरूर एक ना एक बार कैंपिंग किया होगा, जब आप छोटे थे यानी कि फ्री फायर में नए थे, तब जरूर ना जरूर एक बार इस टावर पे कैंपिंग किया होगा। तो ये टावर आपको फ्री फायर में कुछ इस तरह से नजर आता होगा, और ये आपको कई जगहों पे देखने को मिलता है, बरमुडा चाहे कोई सा भी मैप ले लो, सब में आपको देखने को मिलेगा। और इसका रियल लाइफ यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे सैनिक लोग अपना बेसमेंट बना के रखते हैं और कोई भी एनिमी आते हैं तो उसको मारते हैं। तो ये भी एक कैंपिंग करने जैसा ही टावर है, जो रियल लाइफ में कुछ इस तरह से नजर आता है। नंबर 13 गाइस, नंबर 13 पे जो प्लेसेस आती है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, जो तीरंदाज लगाते हैं ना शूटिंग रेंज, वो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, जिसमें आप गोली वगैरह मारोगे तो वो टूट भी जाती है, कई शूटिंग रेंज टूट भी जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और ये आपको बुलसे में देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारे जगहों पे ये शूटिंग रेंज लगा रहता है। और इसका रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में यहाँ पे आप देख सकते हो, सैनिक लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो इसी तरह का शूटिंग रेंज लगा के करते हैं, जहाँ पे अपना स्किल सीखते हैं और फायरिंग करने का तरीका सीखते हैं। नंबर 12 पे जो चीज आती है वो है ये जीप लाइन, जो कि आपको तीनों मैप, चाहे बरमुडा, कलहारी, अल्पाइन या कोई सा भी मैप हो, आपको हर जगह ये देखने को मिलता है। और इसका जो काम है, ये आपको बहुत ही जल्दी यानी बहुत ही कम समय में एक जगह से लेके दूसरे जगह तक इजली तक पहुंचा सकता है, जीप लाइन का ये काम है। ठीक है, और रियल लाइफ में भी इसका इसी तरह से यूज होता है, जहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन पे लोग एक माउंटेन से लेकर दूसरे माउंटेन तक जीप लाइन की मदद से जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे कुछ फोटो देख ही सकते हैं। और यहीं से इंस्पायर होकर फ्री फायर ने जीप लाइन
11 को इंट्रोड्यूस किया था फ्री फायर। नंबर 11 गाइस, नंबर 11 पे जो चीजें आती है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये आपको केप टाउन के बगल में देखने को मिलेगा और भी कई सारे जगहों पे देखने को मिलेगा, जो कि छोटा पेट्रोल पंप इसको बोलते हैं, जो कि रास्ते पे कहीं कहीं पे लगाते हैं इमरजेंसी के लिए, ठीक है। वो आपको इस तरह से देखने को मिलता है फ्री फायर में, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये चीज यहाँ पे ड्रम वगैरह भी लगा हुआ है और ये आपको केप टाउन के बगल में आपको देखने को मिलेगा और भी कई कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको पता चले तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर रियल लाइफ बात करो तो रियल लाइफ में देख सकते हो इसी तरह का ठीक पेट्रोल जो इमरजेंसी के लिए हाईवे वगैरह के बीच में लगाया जाता है, यानी कि साइड में लगाया जाता है और यूज होता है। वहीं से इंस्पायर होकर फ्री फायर ने ये चीज लाया हमारे गेम में, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। नंबर टेन पे जो चीजें आती है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे मिल के पास जो ये वाला घर है, यहाँ पे कुछ आपको टूटा हुआ कार यानी कि पुराना रद्दी कार आप बोल सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे पड़े हुए मिलते नजर आते होंगे, ठीक है। और ये भी आपको कई सारे जगहों पे फ्री फायर के कई सारे जगहों पे जहाँ पे आपको टूटा हुआ ट्रक और ये कार वगैरह देखने को मिलता है। और इसका रियल लाइफ बात करें तो रियल लाइफ में भी ये कबाड़ में इस तरह से रखा जाता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही लगता है, रियल लाइफ वाला जैसा फील आता है। और शायद यहीं से आइडिया लेके फ्री फायर ने ये सारे चीजों को लाया। नंबर नाइन पे जो चीज आती है वो आपको केप टाउन में ये प्लेस देखने को मिलेगा जहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट लगा हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, जो कि केप टाउन में आपको बरमूडा मैप के केप टाउन में नजर आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा कोर्ट है। और अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ इस तरह से लगता है देखने में रियल लाइफ में, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बास्केटबॉल कोर्ट जहाँ पे अलग अलग तरीके का होते हैं और यहाँ पे खेल वगैरह होते हैं। और यहीं से इंस्पायर होकर फ्री फायर ने ये सारी चीजों को लाया, जो कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, जो कमाल का। नंबर एट पे जो चीजें आती है वो आप देख सकते हो, ये वाला टावर जो फ्री फायर ने कुछ ही दिन पहले हटाया था, जब एसोसिएशन क्रीड का कोलैबोरेशन हुआ था तो ये टावर हटा दिया, लेकिन बाद में अपडेट के बाद ये टावर फिर से गेम में लाया गया, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ इस तरह से लगता है देखने में। और ये भी आपको कई सारे जगहों पे देखने को मिलता होगा, हैंगार के पास और पीक के बगल में, और साथ ही साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हो सबसे साइड में, जो कुछ इस तरह से लगता है देखने में, ठीक है, जहाँ पे ऊपर में पंखा जैसा है घूमते रहता है। और रियल लाइफ की बात करें तो ये भी समुद्र के बगल में लगा रहता है, जहाँ पे पता नहीं कुछ होता होगा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने के लिए कुछ लगा रहता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना, लेकिन रियल लाइफ में आपको कुछ इस तरह से नजर आता है। नंबर सेवन पे जो प्लेस आती है वो आप देख सकते हो हैंगार में, ये वाला एरोप्लेन बहुत ही पुराने जमाने का एरोप्लेन है, जब नया नया लॉन्च हुआ करता था तो उस वक्त इसी तरह का मॉडल बना करता था, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये आपको हैंगार में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसका लुक कुछ इस तरह से लगता है देखने में। और रियल लाइफ में देखो उसी मॉडल का उसी तरह का डिजाइन है, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। और यहीं से इंस्पायर के फ्री फायर ने हैंगार में वो चीज को ऐड किया। नंबर सिक्स पे जो प्लेस आती है वो प्लेस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको फैक्ट्री के साइड में, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्रेन टाइप का कुछ इस तरह से लगा हुआ है, जहाँ पे सीढ़िया लगा हुआ है, ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। और ये भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, और फ्री फायर ने वहीं से रियल लाइफ से इंस्पायर होके मतलब ये चीज फ्री फायर में लाया। और अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा है जो बिल्कुल जिस तरह से फैक्ट्री में लगाया गया था, बिल्कुल यहाँ पे वैसा ही लग रहा है देखने में, जो कि आप देख सकते हो जैसे कि बंदरगाह वगैरह में ये सारी चीजों को लगाया करता है, ठीक है। नंबर फाइव पे जो प्लेस आती है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे वाटर के पास जो ब्रिज है, ये ब्रिज आपको कुछ इस तरह से लगता है देखने में। और ये भी फ्री फायर के बरमूडा में कई सारे जगहों पे है, जहाँ पे आप देख सकते हो सेंटोसा और अन्य जगहों पे जोड़ता है, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे कुछ इस तरह से लगता है देखने में, जहाँ पे पानी में कुछ इस तरह से ब्रिज है, ठीक है। और ये आपको बिल्कुल वैसा लगेगा देखने में, और शायद वहीं से आइडिया आया होगा फ्री फायर को, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये इस तरह का कुछ है। और यहाँ पे देखो ये ब्रिज है, ठीक है, जो बिल्कुल मैच करता है फ्री फायर का, मतलब नदी उदी छोटा छोटा नदी रहता है वहाँ पे इस तरह का ब्रिज बनाया जाता है, तो कुछ इस तरह से लगता है। और यहीं से फ्री फायर ने इंस्पायर होकर ये सारी चीजों को लाया। नंबर फोर पे जो प्लेस आती है वो है ये ग्रेवयार्ड। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका लुक कुछ इस तरह से लगता है देखने में। और ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्रिस्तान जो होता है, जहाँ पे मुर्दों को गाड़ा जाता है, उसी जगह को ग्रेवयार्ड बोलते हैं। तो ग्रेवयार्ड का ये वाला जगह पे आप देख सकते हो, जहाँ पे मुर्दों को गाड़ने के बाद उस पर कुछ इस तरह से बना दिया जाता है, ठीक है। अब पता नहीं ये किस तरह का मतलब क्यों बनाया जाता है, शायद मेमोरी के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और ठीक उसी तरह से फ्री फायर जो रियल लाइफ में है वो आपको कुछ इस तरह से लगेगा देखने में। और ये भी जो कब्रिस्तान होता है वहाँ पे मुर्दों को जो गाड़ते हैं, जो मर जाते हैं उसको गाड़ते हैं, तो यहाँ पे उसको कुछ लुक ऐसा लगता है देखने में। नंबर थ्री पे जो प्लेस आती है वो है न्यूरिक डैम, जो कि फ्री फायर में न्यू प्लेस को ऐड किया गया है बरमूडा मैप में, जिसका लुक यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो दूर से कितना ओपी लग रहा है देखने में। और इस प्लेस का नाम है न्यूरिक डैम, जो कि डैम से इंस्पायर होकर फ्री फायर में लाया गया है, जो कि रियल लाइफ में देख सकते हो डैम का लुक कुछ इसी तरह से लगता है देखने में। और यहीं से इंस्पायर होकर फ्री फायर ने वो सारे जगहों को ऐड किया गया है, जो कि न्यूरिक डैम से है। नंबर टू पे जो प्लेस आती है वो है शिपयार्ड।
शिपयार्ड यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जहाँ पे चारों ओर कुछ कुछ छते हैं और उसके बाद बीच में पूरा यहाँ पे आपको कंटेनर देखने को मिलता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और साइड साइड में क्रेन भी लगा हुआ है और ये आपको बिल्कुल बंदरगाह जैसे यहाँ पे जैसा लगता है ना, बंदरगाह जो समुद्र के बगल में रहता है, बिल्कुल ऐसा ही लुक लगता है देखने में। और यहीं से इंस्पायर होकर शिपयार्ड को जगह को लाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेनर वगैरह भी पूरी उसी तरीके से मिलता है, जो कि काफी ओपी लगता है देखने में। नंबर वन गाइस, नंबर वन पे जो प्लेस आती है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये बीमा शक्ति का टावर, जहाँ पे आपको दो इकट्ठा बीमा शक्ति टावर यहाँ पे देखने को मिलता है मार्स इलेक्ट्रिक में, जो काफ़ी ओपी लगता है देखने में। और ये चीज़ रियल लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कोयल्स वगैरह या फिर पता नहीं एग्जैक्ट मुझे उतना नॉलेज नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन उसी तरह का कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए करा जाता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो बिल्कुल मैच करता है फ्री फायर से। और यहीं से इंस्पायर होकर फ्री फायर ने ये मार्स इलेक्ट्रिक जगह को लाया रियल लाइफ। ये था फ्री फायर का टॉप 70 रियल लाइफ प्लेस। सारे प्लेसेस में आपको सबसे अच्छा जगह कौन सा लगा जो काफी मैच करता है फ्री फायर से, कमेंट में जरूर बताना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना गाइज, वहाँ पे मैं अपना फेस भी रिवील कर दिया हूँ। साथ ही साथ सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे मैं लाइव आने वाला हूँ, साथ ही साथ गिवे भी करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।